होंगे, बरघटों के किनारे हमारे घर होंगे। हम लोग बोल नहीं सकते थे, क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीभा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो, अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गरम शीशा करके डाल दो, अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख लें, ठाकुरों को देख लें तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो, और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। ये किसने दिया आरक्षण? उन्होंने अपने इस धर्मशास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। आज हमारी महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका और ना जाने कौन कौन से व्रत रहती हैं। हमारी कॉलोनी में भी रहती हैं, भोपाल में कहते हैं हरतालिका हम रहते हैं, 3 दिन व्रत रहती हैं, मनपसंद पति मिलता है, कुंवारी लड़की रहती है तो मानती हूँ कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन शादीशुदा भी रहती हैं तो मैं कहती हूँ क्या जो घर में है वो पसंद नहीं है अभी, जो दूसरा चाहिए वो भी रहती हैं, शिव जी को जल चढ़ाती हैं। मतलब ब्राह्मण की जो सामाजिक जो धार्मिक व्यवस्था है, समाज का गुरु ब्राह्मण, SC ST OBC चमार भंगी बसोर धोबी तेली नाई काछी कुमार डोम डमार मांग महार मंगी, दुनिया भर की 6,500 से अधिक जातियों का निर्माण कर दिया। समाज को बंटवारा करने वाला ब्राह्मण, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बांटने वालों का उद्देश्य था। उनने हमें 6,500 से अधिक जातियों में बांटा, कर्म निर्धारित कर दिए, तू भंगी तू सफाई का काम करेगा, तू चमड़े का काम करेगा, तू तेल निकालेगा, तू कपड़े धोएगा, तू खाना बनाएगा, तू मकान बनाएगा, तू बर्तन बनाएगा, तू बेल ढोर चलाएगा। जो चमड़े का काम करता था वो चमार, जो तेल निकालता था वो तेली, जो गंदगी साफ करता था वो भंगी। भंगी कौन है? वो हमारा समाज है, वो कोई दूसरे कहीं से आए हुए नहीं है। वाल्मीकि समाज हमारा समाज है, क्योंकि ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार ये था कि यदि कोई ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करता है तो उसको जाति से वंचित कर दो, उसको मृत्यु दंड देते हैं। हमारे लोगों ने यदि उनके लिए संघर्ष किया तो उनको उतने ही गंदे काम सौंपे गए, और आज उनको समाज से भंग कर दिया, बहुवचन में समाज से भंग, समाज को भंगी कहा गया। हमारे अपने लोग हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है। लेकिन आज हमारे SC ST के जो लोग हैं, SC में 275 जातियां हैं, ST में 750 जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में 350 से अधिक जातियां हैं। जिन्होंने ज्यादा संघर्ष करा, इनका मुकाबला किया, इनसे डरे नहीं, उनको उतने ही गंदे पैसे सौंपे गए जो अनुसूचित जाति संवैधानिक भाषा अनुसूचित जाति के नाम से जाने गए। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं कही, मतलब करी, हमारे ही लोग, और जो जंगलों की तरफ भाग गए वो आदिवासी कहलाए, और जिन्होंने ब्राह्मणों की जी हजूरी करी, गुलामी स्वीकार करी, और उन्होंने कहा तुम जो करोगे हम करेंगे, वो पिछड़े वर्ग के लोग कहलाए। आज सबसे ज्यादा अगर देश में गुलाम है और अगर शूद्र जिसको नाम दिया है तो कौन है? वो पिछड़ा वर्ग का लोग। आज पिछड़े वर्ग के पीछे दुश्मन छिपा हुआ है, आज पिछड़े वर्ग के माध्यम से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जबकि वो हमारा बड़ा भाई है। वो नहीं जानता कि ये SC और ST के लोग मेरे छोटे भाई हैं, और मैं किन के कहने में ये अन्याय अत्याचार कर रहा हूं। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी से, उनके अन्याय और अत्याचारों से तंग होकर जो माइनॉरिटी के लोग कहलाए, जैसे मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है, ये हमारे लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग। ये मूल निवासी बहुजन समाज 85% SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये हमारे वर्ग के लोग हैं, और आज जो हमारे वर्ग के लोग हैं यही अधिकार वंचित लोग हैं। आज इन अधिकार वंचित लोगों के हक और अधिकारों को खत्म करने के लिए अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति जी का जिक्र हो रहा था, रामनाथ कोविंद जी, बहुत सारे लोग मैंने पेपर में देखा रामनाथ कोविंद जी का स्वागत करने के लिए दिल्ली तक पहुंचे। साथियों, मैंने पहले कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करती। रामनाथ कोविंद है कौन, ये हमें समझना होगा। रामनाथ कोविंद वही है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए थे और चुनाव हार गए थे।
तब जगजीवन राम की बेटी जो मीरा कुमार है उसको भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया था। जगजीवन राम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंडाल पर पत्थर फेंकने का काम करा था। दूसरा रामनाथ कोविंद, मैं राजनीति नहीं हूं, मैं राजनीतिक महिला नहीं हूं, ना मैं राजनीति समझती हूं, लेकिन जितना मेरा अध्ययन है और जितना मैं वाच करती हूं कि रामनाथ कोविंद वही है जिन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि रामनाथ कोविंद जी मुझे SC ST OBC के सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं संविधान की समीक्षा कर सकूं। रामनाथ कोविंद गुलाम जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्या किया, 60 राज्यसभा सदस्यों के सिग्नेचर करके सहमति करके अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिए कि हाँ आप संविधान की समीक्षा कीजिए। रामनाथ कोविंद ने जब ये सौंपा उसी दिन से भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए ये मुद्दा उठा। और साथियों रामनाथ कोविंद को जो राष्ट्रपति बनाया गया ये बिना षड्यंत्र के नहीं बनाया गया, ब्राह्मण चरित्र में परिवर्तन करता है लेकिन उद्देश्य से कभी परिवर्तन नहीं करता। उनका क्या है, मैं राजनीतिक नहीं हूं लेकिन साहब राज्यसभा सदस्य रहे, राष्ट्रपति को जिस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो एक विचार भेजते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह विधेयक पहुंचाया जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है कि हाँ संविधान में बदलाव होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। रामनाथ कोविंद को अनायास ही कोई दलित को राष्ट्रपति बनाना कोई ऐसे ही नहीं बनाया है, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है।